अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप गूगल न्यूज से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप गूगल न्यूज को सिर्फ न्यूज के लिए यूज नहीं करें, आपने इससे अर्निंग करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में गूगल न्यूज से दो अहम मेथड बताऊंगी जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके, एक तो मैं आपको बताऊंगी आप गूगल न्यूज के जरिए आप यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा आप इससे ब्लॉगिंग के जरिए कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ओके, आप डायरेक्ट गूगल न्यूज से अर्न नहीं कर सकते, इससे गूगल न्यूज आपको पैसे नहीं देगा, लेकिन इसके जरिए ये आपको ऐसा कंटेंट देगा जिसके जरिए आप बाकी प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग पे जा सकते हैं और अपने व्यूज वगैरह ले सकते हैं और वहां से अर्निंग कर सकते हैं। ओके, बगैर वक्त से कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ओके, अब मैंने आपने गूगल न्यूज सर्च कर लेना और गूगल न्यूज में जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपने कर देना है क्लिक। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल न्यूज पे क्या क्या फीचर्स हैं और आप इसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो देखिए हमारे पास मेन इसका आ चुका है। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान के बारे में होगा, पाकिस्तान के बारे में चीजें वगैरह सब कुछ यहाँ पे होगा। दूसरा ये देखिए पाकिस्तान की न्यूज है, दुनिया न्यूज, बोल न्यूज, द न्यूज इंटरनेशनल, ये सब पाकिस्तान के चैनल है और इसके रिलेटेड ये सारे न्यूज है। ओके, दूसरा आप पूरी वर्ल्ड के बारे में भी इससे जान सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने इससे करना क्या है। पहले तो आपने इससे न्यूज वगैरह देख ली, आपने इससे ये करना है कि आपने इससे कंटेंट लेना है। आपने क्या करना है, आपने ये देखिए इस पे जो भी है ट्रेंडिंग पे, ये ट्रेंडिंग पे है, जिस पे जो भी न्यूज आ रही है वो ट्रेंडिंग पे है। देखिए ये पांच मतलब 5 घंटे पहले इन्होंने ये न्यूज डाली और ये देखिए इस वेबसाइट पे ये 11 घंटे पहले उन्होंने अपलोड किया था। ठीक है, तो ये देखिए ये लेटेस्ट न्यूज है। ओके, तो अब हम मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हैं। आप तो यहाँ से कॉन्टेंट ले सकते हैं, वो सब ट्रेंडिंग पे जाएगा। अगर आप इसे कुछ भी वीडियोस बनाएंगे तो वो ट्रेंडिंग पे ही जाएगी। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में इन्होंने अभी पे अपलोड किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये देखिए 4 घंटे पहले अपलोड की। यह सब कुछ ट्रेंडिंग पे टॉपिक है जो जो यहाँ पे है। आप इसके अलावा लोकल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट। ओके, जब आप इंटरटेनमेंट पे सर्च करें, अगर आप इंटरटेनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये देखें इन्होंने अभी 21 घंटे पहले 19 और 19 आवर्स पहले इन्होंने ये डाली और ये देखिए ये ट्रेंडिंग पे टॉपिक्स हैं दुनिया भर में, इस वजह से यहाँ गूगल न्यूज पे हैं। तो आप भी इस पे वीडियोस बनाएं और आप भी इस पे अपनी वीडियोस अगर बनाएंगे तो वो ट्रेंडिंग पे ही जाएंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे सारे चैनल्स वगैरह वीडियोज। अब आप कहेंगे कि आप इस पे वीडियोज कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप कोई भी इसमें से अपना चैनल बना सकते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट का बना लें, स्पोर्ट्स का बना लें, आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड सारे अपडेट ले सकते हैं। अभी अभी फोन आज के दिन के देखिए 3 घंटे पहले ये अभी डाली है कि डेविड मैसी स्कोर्स विनर्स। ये देखें आप, ये ऐसी वीडियो आप खुद भी बना सकते हैं। ये जियो न्यूज से इन्होंने लिया, जियो न्यूज ने 6 घंटे पहले अपने इसमें डाली थी, इस पर न्यूज डाली थी, इस पर उन्होंने डाले थे वेबसाइट पे, और ये देखे इन्होंने 3 घंटे पहले डाल दिया। तो ये देखिए अभी आज की ही न्यूज है, आज की लेटेस्ट है। तो आप ये डालें तो लोग इसके बारे में सर्च करेंगे। अभी ये न्यूज चीजें हैं तो लोग यही देखना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि कोई किसी ने न्यूज चैनल बनाया है तो उस पर मिलर में व्यूज कैसे आ गए, वो इसी तरीके से आते हैं कि वो गूगल न्यूज पे आके देखते हैं कि ट्रेंडिंग पे कौन से टॉपिक्स हैं। तो आप भी इस पे बनाएं और इससे बाकी आप साइंस के रिलेटेड इसमें अपना चैनल बना सकते हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं कि साइंस में न्यू आजकल क्या तब्दीलियां आ रही है, जो यस्टरडे की है साइंस के रिलेटेड। उसके अलावा अपना हेल्थ का भी चैनल बना सकते हैं और उसके रिलेटेड यहाँ से सारी चीजें ले सकते हैं। इसलिए देखिए ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे उन्होंने डाली थी वो यस्टरडे डाली थी लेकिन। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस पर हमें क्या इनपुट होती है। ओके, तो ये है जो वेबसाइट जिस पे जहाँ से इन्होंने ये न्यूज़ ली है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो का टाइटल यही दे देना है जो कि इन्होंने दिया हुआ है। अगर आपने हेल्थ के रिलेटेड बनाए तो रिकमेंडेशन डिवेलप फ्रॉम क्रोनिक डिजीज हेल्थ, तो आपने ये अपनी वीडियो का टाइटल दे देना है। और आपने वीडियो कैसे बनानी, आपने इसके रिलेटेड गूगल से पिक्स ले लेनी है या आपने अपने गूगल पे कॉपी राइट फ्री अपने इमेजेस ले लेने जिससे आपने लाइसेंस हो दिस। बल्कि आपको मैं करके दिखा देती हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, डिजीज सर्च करना है। ओके, जब आपने ये सर्च कर लिया आपका अपना टॉपिक, ठीक है, या हमारे पास आपने जाना है इमेजेस में। अब इमेजेस पे आगे आपने ये टूल्स पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको टूल्स नजर आ रहे हैं, जब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बाकी ऑप्शंस आएंगे। ये देखिए यूजेज राइट, आपने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कराई। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ये है कि इस पे कॉपीराइट नहीं आता। अगर आप इसको यूट्यूब वीडियोस में यूज करेंगे तो आपके यूट्यूब वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आप ये आपने कलेक्शन ले लेनी है इस वीडियोस की और आपने इसको कोलैप्स कर देना है। और आपने बैकग्राउंड कैसे यूज करा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये है, आप अगर आपने इंग्लिश में वीडियोस बनाना चाहते हैं कि इंग्लिश के आपके बाहर के लोग देखे तो आप इंग्लिश में इसको बना लें। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसका ये सारा जो है अगर इंग्लिश में है तो आपने इसको कर लेना है कॉपी। ओके, देखिए मैंने इसको यहां तक कर लिया है कॉपी। तो आपने सिंपली क्या आना है,
गूगल पे आना है, ओके यहाँ पे आपने ट्रांसलेटर करना है, ट्रांसलेटर पे क्लिक करना है। अगर आप उर्दू में बनाना चाहते हैं तो आप इसको इजीली उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपने गूगल पे, गूगल ट्रांसलेट पे आना है, तो आपने यस इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने उर्दू वो सेलेक्ट हुआ, ओके। तो आपने क्या करना है, वही जो आप सारा आपने वहां से पेस्ट किया आर्टिकल कॉपी किया सॉरी, तो वहां पे आके ये देखिए आपका इजीली वो हो जाएगा ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हो चुका है। देखिए आप इसको उर्दू में पढ़ के आपने पीछे वॉइस ओवर दे सकते हैं। और अगर मैंने आपको वीडियो बताया है कि आप कैसे गूगल से ऐसे फ्री कॉपीराइट फ्री लेके आप अपने वीडियो बना सकते हैं, ये आपका यूट्यूब पे हो गया। और यूट्यूब पे ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स लोग सर्च करते हैं और आप वहाँ पे ऐसे ही व्यूज आते हैं। अगर आप ऐसे किसी भी आपका इंटरेस्ट है टॉपिक में, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, इंटरटेनमेंट के रिलेटेड, इंटरटेनमेंट में देख लेते हैं कि देखें कॉमिक कौन इज डाइंग, द साइन हैव बीन देयर फॉर डिकेड्स, ओके। तो अब आपने ये जो है ये टॉपिक है, अब आप इसको यूट्यूब पे चले हम सर्च करके देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी वीडियोस बनी हुई हैं अभी तक, ओके। तो हमने सर्च कर लिया, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर यूट्यूब पे पहले कितनी वीडियोस बनी हुई हैं। टॉप फाइव थिंग डू यू नो वट यू आर कलेक्टिंग टॉपिक्स, ओके, एंड एंड ऑफ टाइम, ओके। तो ये देखिए इसने अभी 3 हफ्ते पहले डाले और उस पर 3K व्यूज हैं, 1.2 के व्यूज हैं, और अभी इस पर देखिए इसमें 63K व्यूज है, ठीक है। और आप ये देखिए आपने ऐसे वीडियोस बनाने हैं कि आप कुछ ही देरों में आपके बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देख लें काजोल रिमेम्बर्स आर्यन खान एज अ बेबी ऑन सेट, ये तो देखें कभी खुशी कभी गम, आप इस पर भी वीडियोस बना सकते हैं। शाहरुख खान हैज गॉट, तो आप ये भी कर इस पर भी वीडियोस अपने इजिली बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने तरीके से बता दिया, एक तरीका तो ये हो गया कि आप इससे YouTube पे आप इस पर अर्निंग कर सकते हैं और आपके टॉपिक ट्रेंडिंग पे जाएंगे। तो दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि दूसरा आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, कोई भी आपने टॉपिक चूज कर लिया, कोई भी आपने अपनी जॉब जिसमें आपको इंटरेस्ट है आपने वो चूज करना है, ठीक है। अब अपने इंटरटेनमेंट में आपको एक और प्लस पॉइंट भी बताऊं जो कि मैंने अभी नहीं बताया, आप मूवीज के रिलेटेड न्यूज देख सकते हैं, टीवी के रिलेटेड देख सकते हैं, बुक्स के रिलेटेड देख सकते हैं, सेलिब्रिटीज के रिलेटेड भी देख सकते हैं इंटरटेनमेंट में। तो आपको हर तरीके से अलग अलग आ जाएगा, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है। देखिए प्रिंस जॉन इज टर्निंग 10 या लुक बैक, तो आप अपने YouTube का चैनल वो चैनल बनाए, उसके लिए टाइटल दे और अपने वॉइस ओवर कर दे जो आर्टिकल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता, दूसरा ब्लॉगिंग में आपको बता रही थी, ब्लॉगिंग में आपने क्या करना है, इसमें से जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आप अपने किसी भी बल्कि अपने वर्ल्ड पे बना दे, क्योंकि आपने दुनिया भर में काम करना है, तो आपको वो बता देती हूँ कि आप उस पर कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सा भी ट्रेंडिंग्स पे है ये सारे, तो हम ये ले लेते हैं, आप इसने इसका ये ब्लॉग है, तो हम ये आ चुके हैं इस ब्लॉग पे। तो ये देखिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा इस कार्य को कॉपी कर लेना, इस तरह आपने कर लेना है कॉपी। आपने क्या करना है, आपने कोई ब्लॉग, आपने क्या कहना है, गूगल पे आना है। गूगल पे देखे मैंने AIPRM एक एक्सटेंशन है, आपको फ्री क्रोम एक्सटेंशन से मिल जाएगी, आपने वो डाउनलोड कर लेना है, उसको चैट जीपीटी से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने आकर कॉपी राइटिंग क्लिक कर देना है, ओके। अब नीचे आपने आ जाना, आपने कहना है कि रीराइट इट, ओके। आपने शिफ्ट इंटर करना है और ये सारा जो आपका आर्टिकल वो आपने कर देना है पेस्ट। अब हमने इसको कर देना है एंटर, ओके। तो देखिए इसने हमें सारा टेक्टिकल अगेन उतना ही लिख के दे दिया, लेकिन इसने इसमें फेस चेंज किया, इसने इसको रीराइट तरीके से लिखा है, क्योंकि हमने इसको कॉपी राइट पे किया। तो आपने क्या करना है, इसको अब आपने जो आपने दोबारा रीराइट करवाया आपने इसको कर लेना है कॉपी, ओके। आपने आ जाना है गूगल पे, गूगल पे आपने साइट पे आपने यहाँ देखना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल डॉक्यूमेंट का, ओके। आपने यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट में अपना ये आर्टिकल है जो आपने लिखवाया है चैट जीपीटी से आपने रीराइट करवाया और आपने यहाँ से ब्लॉग से ट्रेंडिंग वाले न्यूज से आपने इसको लिया है, आपने यहाँ पे आके कर देना है इसको पेस्ट, जो मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। बाकी हमने जो इसका जो हमने टाइटल है वो हमने यहीं से ले लेंगे, ओके। तो ये देखें ये इसका कॉपी, और ये भी हम यहाँ पे ऊपर आके टाइटल लिख देंगे, कर देते हैं थोड़ा सा इसका ब्लॉग कर देते हैं और इसको 14 कर देते हैं, ओके। तो ये हम एक ब्लॉग लिख लिया, हमने रीराइट करा है चैट जीपीटी से, हमारा एक बन गया। अब हमने क्या करना है, ब्लॉगिंग हम कैसे करेंगे, आपको मैं एक वेबसाइट बताती हूँ, आपने वहां जाके आपको वर्क इजीली मिल सकता है। देखिए प्रो ब्लॉगर एक वेबसाइट है जहां से आप अपना वर्क या जहां से जॉब्स ले सकते हैं, आपको 200 से 250 डॉलर आपको एक मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक करना है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पे जॉब्स कैसे लेते हैं। देखिए ऑल कैंडिडेट्स इस पे कितने हैं जॉब्स के लिए, 26,000 है, और एक्टिव जॉब्स अभी तक कितनी है, 65 या अभी तक जॉब्स एक्टिव हैं इसी मंथ, ठीक है। और कितने लोगों को प्रोसेस सक्सेसफुल उनको जॉब्स मिले, 8,230 है, ठीक है। तो आप भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप गूगल शीट राइटर हैं, गूगल शीट का मैंने आपको बताया था कि मेरी एक वीडियो भी है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा,
एसईओ राइटर फॉर सॉफ्टवेयर रिव्यूज, ये देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हायरिंग पैड सीजर, फिरासी ट्रैवल क्रिएटर, म्यूजिक राइटर, एसईओ कंटेंट स्पेशलिस्ट, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप इनमें से ये देखें, ये अभी अभी ये 11 जुलाई को पोस्ट हुई है या 20 जुलाई को हुई है, तो देखिए न्यू, आप इनमें से किसी पे कर दें, सोशल मीडिया एडवर्टाइज फॉर एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, आपने एनीवेयर, उन्होंने लिखा कि कहीं से भी हो सकते हैं, तो आप देख लें एनी लोकेशन एनीवेयर ही करनी है, क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट पे आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने नीचे स्क्रॉल कर लेने, आपको कितनी 2 डेज पर वीक, मंडे ट्यूसडे आपको पार्ट टाइम जॉब करनी होगी, और आप देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह के, 2 ईयर एक्सपीरियंस, वो आप कहीं से भी अपना आर्टिकल दे सकते हैं। ओके, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ओके, तो डन डे 8 आवर्स आपने काम करना है, ठीक हो गया। ये देखिए पर डे आपको ये $100 दे रहे हैं, समझ आ रही है आपको, $100 आप कैसे लिखेंगे, आपने ऐसे ही करना है, आपने गूगल न्यूज से आपने कोई भी आर्टिकल ले लेना जो ट्रेंडिंग है, स्टडी के रिलेटेड, और आपने उसको चैट जीपीटी से रीराइट करवा लेना, ठीक है। और इसके ऊपर मेरी पहले भी कई वीडियोज हैं, तो वो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टेंट रिलेटेड के रिलेटिव, ऐसे कॉन्टेंट इसके रिलेटिव मैंने वीडियोज बनाई हुई। ओके, तो अभी तो मैं आपको बता दूँ कि आप इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिल फॉर्म कर देना आपने इस पे, और आपने इस पे कर देना लॉग इन करके, रजिस्टर करके आपने आपको यहाँ पे कर देना अप्लाई। ओके, तो ये एक जॉब हो चुकी है। इसके अलावा आप कोई और भी जॉब देख सकते हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट जॉब है, हम इस पे ही देख लेते हैं कि आप इस पे कैसे अप्लाई करें। एनीवेयर, यहाँ पे भी एनीवेयर आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं ये कितने हमें 5000 वर्ड, अगर आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे हमें इस पे आर्टिकल लिख दें, तो आपको इजिली लिख कर दे देगा, ठीक है। 2.5 सेट्स पर वर्ड हमें दे रहा है, तो मंथली आप इसको मल्टीप्लाई कर ले कि 5000 वर्ड्स आपने पर डे लिखने हैं, तो आपको कितने ज्यादा इससे अर्निंग हो सकती है। तो ये देखें, ये एक होगी वेबसाइट। इसके अलावा तो जब आपको इस पे अप्लाई करना है जॉब पे, प्रो ब्लॉगर पे, आपको सबसे पहले अपने को रजिस्टर करना लाजमी। तो हम यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं, मैं आपको बता देते हैं अपने रजिस्टर में अपने को करने के लिए क्या करना है। अपने यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, उसी पासवर्ड को दोबारा लिख लेना। मैं आपको बताया हुआ है कि आपने अपना कैपिटल लेटर लिखना है फर्स्ट, और फिर स्मॉल लिखना है, और कोई एलिमेंट ऐड कर देना, और फिर आगे नंबर्स। ओके, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप लिखना है, अपना नेम लिखना है फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस लिख देना है, फोन नंबर, आपकी वेबसाइट है कोई ब्लॉगिंग की, जाहिर बात है आपकी ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे कोई भी आपकी होगी तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। प्राइवेसी, आपने शो माय रिज्यूम इन सर्च, यहाँ पे आपने अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है, जो भी आपकी रिज्यूम फाइल आपने बनाई होगी। अपने बच्चे होना है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान चूज कर देना है, स्टेट आपने चूज कर देना, पंजाब से कैटेगरी आपकी ब्लॉग है, आर्टिकल राइटिंग की है, प्रोफेशनल हेडलाइन आपने लिख देने कि आप किस के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी आप देना चाहते हैं, आपने इस पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं, राइटिंग की सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपने समरी अपने बारे में डिटेल से लिख देनी है। अगर आपको नहीं लिखना है तो इंग्लिश आपको नहीं पता, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आप चैट जीपीटी से सब लिखवाएंगे तो आप अपनी समरी भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, स्टे इन नॉन रह देना, और यहाँ पे आपने अमरोट रोबर्ट करके अपने आपको रजिस्टर कर लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप इजीली दे सकते हैं। ओके, आपको अपनी पोर्टफोलियो के लिए लिंक चाहिए होगा, तो आपने यहाँ शेयर पे जाना है और इसका लिंक कर लेना है कॉपी। तो जब आप इसका लिंक, बल्कि यहाँ से शेयरिंग नोट बिफोर, आप इसको सेव कर लेना, और इसको सेव में अपने डॉक्यूमेंट करके आपने इसको यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेना। ये देखें, यहाँ पे आपने इसका लिंक कर लेना है कॉपी। ओके, तो फिर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में कर देना ऐड, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप YouTube चैनल से भी अर्निंग कर सकते हैं और ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।